हाय फ्रेंड नमस्कार वेलकम टू माय चैनल आदि मु आपण मानंक पई बहुत सुंदर सुंदर टिप्स नै केसी जहा के आपण मानंकर बहुत सारा काम को सहज आ सुंदर कर दबो ताले चालन तो एबे आरंभ करिबा मार्केट रु आमे कमला आनु छे आनला परे आमे ताको छड़ौ छे किछि लोक अछंती जे ठीक से छड़े पारंती नै जहा द्वारा कि हम चोपा सहित कमला भी बाहर के पड़े आसे जहा द्वारा कि हम कमला नष्ट होय थाए सेति पई आमे आज कमला छड़ेबा खूब कम समय रे आउ बहुत सहज उपाय रे आसंत देखिबा तमे देखंतु मु एथि गोटे छुरी नै छी ए फेरिया रे गोटे छुरी नियंतु कमला रो मछि रे ए फेरिया रे दाग कर नियंतु आपन माने ए फेरिया रे आपन माने दाग कर नियंतु एते दाग कर नै छी दाग कर नेला परे मु एथि गोटे चामच नै छी देखंतु ए फेरिया रे चामच टिक पर माने सुंदर कमला चोपाटी बिल्कुल भी कमला नष्ट होना चोपा देखते सुंदर से चोपा गोटे खोल टाइप बाहरी सुंदर से उपाय कमला चोपाटी छड़ेपरि भाव में छड़ा जहाँ द्वारा कि कमला भी आपको नष्ट हाँ ना कि चोपा भी सुंदर देखा जापरि भाव में कमला छड़ा छड़ा कमला चोपा छड़ा कमला चोपा को फोपाड़ी दौते कि आपने न फोपाड़ी कमला चोपार बहुत सारा उपकारिता अच्छी आपण मैंने रखत आम यूज करूँ मुझे उपकारिता विषय पुणी गोटे आपण मान नुआ ट्रिक्स नहीं आसबी से आपण मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाई फोटो आम स्टैंड भाव में रखी था फोटो स्टैंड भांगी जाए था भांगा द्वारा आम कौन करना कांथ डेरिकी रखू जन जन अच्छा फोपाड़ी दिखते कि फोपाड़ी भी तो सुंदर भाव में आप सैज की घरे रखिपर देखु से मुठी दुईट क्लीप नहीं देखु आपरी भाव क्लीप टी को लगे दिखा फटोरे देखिए भाव में क्लीप टी लगे दिखा देखु आराम से आम फोटो टी रही बिल्कुल भी पड़ूनी बिना स्टैंड भी आम फोटो टी रखिपर कित सुंदर भाव में फोटो टी रही देखते आपण न फोपाड़ी आराम से आपको रखिपर देखो मो नेक्स्ट टिप्स हूँ चाउल को लेकिन आम चाउल मार्केट रु आणुचे बेले बेले आम बहुत ठकामी पड़ जाए मार्केट रु आजिकल तो पूरा नकली चाउल बिक्री होद्वारा कि प्लास्टिक चाउल खावा द्वारा आम देहपा भी बहुत खराब रोचे आम केमी जाना जे मार्केट रु चाउल आम घर किपर भाव जाना घर उपाय चाउल टी आम असली कि नकली से विषय में आसतु आम जाना सेथिपाई देखंतु मु एठी ग्लास रे पानी नै छी आपण माने चावल को नियंतु एपरि भाव रे पानी रे पकांतु देखंतु आपण माने पानी रे चावल पकेला समय रे जति चावल टी हमरो बुढी जाए ताहाले आपण जानिबे जे एटा हमरो असली चावल आ जदी आपण को चावल टी भासी कि रहे ताहाले आपण जानिबे एटा नकली चावल जदी भी आपण को चावल भासिबा पई माने बहुत टाइम लगे आप जानते खराब चाउल चाउल पोक लगला तो से जानते खराब चाउल ये घर उपाय जानपर चाउल असल कि नकली देखो आप जहाँ भी मोर चाउल थी असल चाउल से मोर ए बुढ़ी जाइए नकली चाउल तो ये नुह आमर यहीपर भाव में जानपर चाउल असल कि नकली जहाद्वारा कि आप सतर्क हो जाए नकली चावल खाइबे कि आप देह भी खराब हम ना मार्केट रु आम शाढ़ी आने खोल शाढ़ी नहीं आसे शाढ़ी बेले बेले खोल शाढ़ी नहीं आसता हूँ कि खोल शाढ़ी आनला कि दिन गापर खोल टाइम चिरी जाए जहाद्वारा कि आम फोपाड़ी था फोपाड़ी देला शाढ़ी की आम यहीपर भाव में रखी था भांगी कबड रे एपरि भाबे रखी तो कबड रे रखिले भी हमरो साड़ी रे धूली मळी सब लागे जाय जहा द्वारा कि आमको पिंधिबा पई भल लागेनी आ साड़ी रो ग्लेज भी कमी जाय सेति पई आपण माने किपरि रखिबे जहा द्वारा कि साड़ी रे हमरो धूली मळी लागे नै आ ग्लेज कमी माने से बिषय मु आज आपण माने पई गोटे ट्रिक नै के आसी आ संत से बिषय जानिबा देखंतु सेति पई मु एठी गोटे तकिया खोळ नै छी तकिया खोळ भितरे मु एबे सब साड़ी को पुरैबे देखंतु एपरि भाव में तकिया खोल शाढ़ी सब आम पुरेद देखिए भाव में गोटे शाढ़ी पुरेली देखु आउ गोटे शाढ़ी भी आपण मैं पुरे देखे देखु मोर ये तकिया खोल दुईट शाढ़ी रखीदी तथापि मोर तकिया खोल जगह अच्छी इपट सैड्रे देखते जगह अच्छी तकिया खोल नहीं कि आपने शाढ़ी पुरे पारे तीनो हूँ कि चारोटी हूँ आपण मैंने आराम से पुरे पारे
ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଆମର ରହିଗଲା ଆହୁରି ବି ଆମ ଶାଢ଼ୀ ବି ରହିଯିବ ଆରାମସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ଧୂଳି ଲାଗିବ ନାହିଁ କି ଶାଢ଼ୀର ଗ୍ଲେଜ ବି କମିବ ନାହିଁ କି ଆମକୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବି ଆଉ ଖରାପ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଯାହାକି ମାନେ ଧୂଳିମଳି ହୋଇଗଲେ ଶାଢ଼ୀଟା ଆମକୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ବି ଧୂଳିମଳି ଆଉ ହବ ନାହିଁ କି ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ ଯୁଆଡ଼କୁ ଗଲେ ବାହାରକୁ ଆରାମସେ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇପାରିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତକିଆ ଘର ରହିଗଲେ ଏବେ ଆହୁରି ବି ଜାଗା ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଆହୁରି ଶାଢ଼ୀ ଆମର ରଖିପାରିବେ ଆପଣ ଲୁଣ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଲୁଣ ଆମର ପିଓର ନା ନାହିଁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଜାଣିବା ବେଳେବେଳେ ଆମର ଲୁଣ କିଛି ମିଶି ଯାଇଥାଏ ଯାହାକି ଆମ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥାଉ ଆମେ ଲୁଣ ନାଁରେ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦଉନେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏ ଲୁଣଟା ଆମର ପିଓର କି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଛୋଟ ପାତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ନେଇଛି ତା ଦେହରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକେଇବି ପକେଇ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମିଶାଇ ଦଉଛି ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକେଇବେ ବେଶୀ ପକେଇବେ ନାହିଁ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବେଲଣା କାଠି ନେଇଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଉପରେ ମୁଁ ଥୋଇ ଦେଇଛି ଲୁଣ ମିଶା ପାଣିକୁ ଆପଣ ଦୁଇରୁ ତିନି ଥର ଏପରି ଭାବରେ ଢାଳି ନିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପରି ଭାବରେ ଢାଳି ନିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ଶୁଖି ଯାଇଛି ଶୁଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଧଳା ଧଳା ପାଉଡର ଟାଇପ୍ର ଲାଗି ରହିଥିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ସେଟା ଅସଲି ଲୁଣ ନୁହେଁ ଯଦି ଏହିପରିକା ରୁଆ ରୁଆ ଟାଇପ୍ର ଲାଗିକି ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଏଇଟା ଅସଲି ଲୁଣ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁରା ଅସଲି ଲୁଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ୟୁଜଫୁଲ ଚିଜ୍ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ।